हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एंड आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माय गॉर्जियस लैंप इट्स सो फ्रेडी आई लव दिस एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इफ यू आल्सो हैव अ लैंप लाइक दिस इट्स सो गॉर्जियस देन आप उसकी क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं बहुत जरूरी है आई नो ऐसे सुंदर सुंदर से शौक हम पाल तो लेते हैं लेकिन उनको मेंटेन करना उनकी क्लीनिंग ये सब आई थिंक इट्स अ टास्क कोई भी चीज खरीदने से पहले मेरा उसकी क्लीनिंग पर या उसकी मेंटेनेंस पे जरूर ध्यान जाता है हालांकि ये लैंप मैंने खरीदा नहीं है इट्स इट्स गिफ्टेड सो इसकी क्लीनिंग के लिए स्पेशली जो इसके ऊपर वाला पार्ट है ये वाइट कलर का है एंड वाइट कलर यू नो डेली का पोल्यूशन एंड अदरवाइज ऑल्सो वाइट इन जनरल बहुत जल्दी गंदा गंदा हो जाता है सो विदाउट एनी फर्दर डू चलो शुरू करते हैं इसको क्लीन करने का प्रोसेस लेट्स डू इट सो सबसे पहले मैं इस लैम्प को ऐसे डिटैच कर देती हूँ इट्स वेरी इजी टू डिटैच दिस एंड काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है डिटैच करने के बाद एंड जो स्टार परफॉर्मर प्रोडक्ट है आज जो इसको क्लीन करेगा इज दिस अ लिंट रोलर येस ये सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं ये घर की और बाकी चीज़ें क्लीन करने के लिए भी यूज होता है एंड इसको मैं आज यूज करूँगी ये साफ करने के लिए ये क्लॉथ मटीरियल है और इसके अंदर प्लास्टिक है ये प्लास्टिक है एंड बहुत सिंपल है इसको साफ करना वैसे सो लिंट रोलर को लेंगे हम और लिंट रोलर से इसको साफ करेंगे सो लेट मीन जस्ट शो यू हाउ आई डू इट तो करना क्या है आपको इसको पकड़ के श इट थ्रू लाइक दैट एक बार अगर आप ऐसे शुरू करें तो पहले पूरा ये खत्म कर लो एंड तक डोंट जस्ट गो बैक एंड फोर्थ जस्ट डू दिस कैन यू सी ये रोलर अभी से इतना गंदा हो गया है एक बार पूरा रोलर से साफ करने के बाद आई एम गोइंग टू क्लीन द एजेस एजेस को साफ़ करना ना बहुत डिफिकल्ट है ये एकदम अच्छे से साफ होते भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट पर जितना भी हो सकता है एटलीस्ट इससे फर्क तो पड़ता है फॉर श्योर sure. ये हो जाने के बाद मैं ये रोलर की ऊपर वाली लेयर निकाल दूंगी जो गंदी हो चुकी है सी द डिफरेंस एक फ्रेश लेयर से मैं दोबारा इसको साफ करूंगी एंड लुक एट दिस हो गया डू इज इसको मैं अब वापस लैम्प से अटैच कर दूंगी सो दैट सेक्टली वट आई डू टू कीप इट क्लीन एंड इट डेफिनेटली वर्क आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक like करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड हैप्पी क्लीनिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन बाय